नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मुरैना के कैलाश वार्ड नंबर 1 में राष्ट्रीय वेक्टर जटिल रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें वार्ड के सभी परिवारों को मच्छरदानी वितरण की गई। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, कैलाश प्रसाद गोयनर, नगर पालिका उपाध्यक्ष नंद किशोर वर्मा, ब्रजमोहन, कैलाश हॉस्पिटल BMO डॉक्टर SR मिश्रा एवं वार्ड के समस्त सदस्य मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय वेक्टर जनरित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनता को इससे क्या लाभ होगा और इसके क्या फायदे हैं, कृपया बताएं। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया विभाग ऐसे चिन्हित गाँव में जहाँ पर पहले अगली वित्त वर्ष में जो मलेरिया के केस ज़्यादा मिले थे वहाँ पर मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है। ये मच्छरदानी जो भी है वो मेडिकेटेड है, इसमें पहले से ही उपचारित की हुई मच्छरदानी है, इस पर मच्छर बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो इसका उपयोग करने के लिए जनता को दिया जा रहा है, जिससे कि मच्छर के द्वारा जो रोग फैलते हैं मलेरिया रोग है तो उसमें कमी आए, उसके लिए बांटी जा रही है। परिवारों को ये संख्या बाज दी जा रही है या नहीं, किस परिवार में कितने सदस्य हैं उनको और उनकी उम्र को देखते हुए ये मच्छरदानी बांटी जा रही है। उस उम्र के कितने, उम्र के कितने बच्चे हैं, इसमें एक छोटी है, एक बीच वाली है और एक सबसे बड़ी मच्छरदानी है, इस तरह से ये बांटी जा रही है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये कीटनाशक दवा से उपचारित मच्छरदानी है। बाजार में आपको मच्छरदानी तो और भी मिल जाएंगी, इससे बेहतरीन मिल जाएंगी, लेकिन उसकी क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। इसको जो है एक केमिकल में डुबो के और उसके बाद सुखा के इसको बनाया गया है। इस पर मच्छर तो बैठेगा भी नहीं, अंदर घुसने की तो बात छोड़ो। इसके साथ कुछ एहतियात बरतनी है कि इसको एक तो अननेसेसरी धोना नहीं है, और धो भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर ठंडे में धूप में नहीं सुखाना है। 20 बार तक भी इसको आप धो लोगे तो भी वो दवाई का असर खत्म नहीं होगा। तो बाकी मच्छरदानी देखी होंगी कि जो जरा सा भी छेद चौड़ा हो गया तो मच्छर